नमस्कार दगड़ियों, मैं निर्मोहन डोबरियाल ग्राम कोले गांव से। हमारे बीच चंबट है हमारे बड़ावाल भाई साहब। काफ़ी समय से उंदेन राम नगर है, जब माल मुला कर आते थोड़ा मिठी मिठी छीन लगा दो और थोड़ा टाइम पास भी हो जाल। तो भाजी काफ़ी समय गया तुम तो घर में आओ, 8 महीना 8 महीना करीब हो गए ना। तो कौन लगा भाई तुम तो घर में? घर में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मतलब उन दिशा तो अच्छा वाल नहीं है क्या? बहुत सुविधा थी मेरे, बहुत आनंद से हैं। आप मेरे लोगों से ऐसा भाई बहन मिल जाना चाहिए ना, सब चीज बढ़िया थी। एक मेल मुलाकात में जान दे और पानी बढ़िया, हवा बढ़िया, लोग भी बढ़िया है। चिंतन लोगों से तो भाई तुम मेरे ख्याल रामनगर तुम कितना साल का सर्विस? हमारे बहुत साल का आदमी है, करीबन 40 साल नौकरी का है। मुनी में काम कर छे ना आपको? अब तो खैर उम्र भी ज्यादा हो गई है। हाँ, अब तो उम्र ज्यादा हो गई है। कंप्यूटराइज भी ना? कंप्यूटराइज भी हो गया और अब उम्र भी नहीं तब। हाँ, आजकल तो मेरे ख्याल है लौट बाहर भी घर में आ जाए। हाँ, सब कोरोना को जैसे सब घर में खेले रहे। अब तो खैर मोदी जी ने काफी दवे वे बने ना वैक्सीन वैक्सीन। हाँ, अब बढ़िया दवे वाले। हाँ, तब भाई तनख्वाह तुम का कदों दिन चाहो रामनगर? तनख्वाह से 10-12 हज़ार रुपये बनी हो ना। तो 15 साल सर्विस करना अपन, 20-21 साल और 43 साल मतलब तुम्हारा व्यवहार ठीक रहे, बड़ी होना आप तो छवाड़ नहीं। तब घर में तो आप धंधा उन्दा कम नहीं करेंगे? हाँ हाँ, धंधा कर पकड़ो पगे आँच ना, बकरा पगे आँच ना, गोड़ पगे हो और घर का ठीक आब हुआ लेना था। अब ये ज़्यादा क्या थे? हाँ, तो यार भाजी तेरे लगना कि शायद एक कोरोना दिक्कत होना, एक ही तो कार छेंच कि कुछ लोग अपने गांव में आ गए ना। हाँ, है ना, मेन बात ये आती कोरोना की वजह से जो जल्दी कभी घर नहीं आया वाल वो भी घर आ गया। तो मैं ये तो बोल रहा हूँ कि भाई साहब जो हमारे गढ़वाल क्या है, गढ़वाल बराबर का किन्नी है, हमारे गढ़वाल स्वर्ग है, ये भगवान भी अकेले हैं और क्या, सब देवता एक ही हैं, देवी देवता सब जो है सब यकीन है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में जो मेन बात है, तुम मुझे अभी नौकरी बताओ जो ना फॉरेस्ट में जंगलात में अपन वो छोड़ना कारण किस है? छोड़ने के कारण साहब कि हम लोग उनका भी जंगल एरिया देख ही नहीं जाए, जानवर नहीं देख जाए, शेर बाघ वगैरह नहीं देख जाए। अब जब हम नौकरी करण बैठो तो हम जंगल अभी भ्रमण करण पाए, जब जंगल भ्रमण करण अगर निकल तो मत गए हम तो नहीं, शेर बाघ हाथी कई जानवर मुलाकात हुई मलोम दो। अब एक दिन आई थी हम गश्त मजे यहाँ थे जंगल और जंगल जब गया छो तो जेरा सफरा में जाना क्या तो घास क्या पड़ो पड़ो लम्बे लम्बे और वे घास के बीच हम शेरपुर। अच्छा, ये कब की बात है? रास्ता में चीला 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 हरिद्वार चीला। अच्छा, तो हमें एक भाला है, भाला से हम घास की नहाना पलटेगा ना तब रास्ता अग्नि निकलना चाहे जाकर तो अग्नि पर शेरपुर होश गुम हो गए फिर देखिएगा वाला भैया पूरी वाला तो चुपचाप बैठिए और अपन जान बचाने के वास्ते बैठ बैठेगा। अच्छा, शेर नहीं दिया हुआ तुम तो? शेर या तो सिंह रहा है या क्या भाई क्या नहीं भाई, लेकिन शेर नजर नहीं लग रहा। अच्छा, और हम डर मार मन रहे हो तो धीरे चीज नहीं हटो हमारे एक बाग तब भगवान उठे। अच्छा, भाग छो तब फिर हम पहले तरफ दूसरी शेर पर गए वहाँ भग बुटे हम जब पत्थर थे ना तब शेर खड़ो है लेकिन हम मतलब बच गए हम बाल 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 बच गए। यानी एक दिन के बाद कि हाथी पीछे कर दिया हाथी भागते भागते हमारी हालत खराब हुई है। हाथ तुम्हारे पीछे भगवान बढ़िया। हाँ, झुंड झुंड थे झुंड। अच्छा, एक थोड़ा 8-10 हाथी
लेकिन जनिका नहीं बोल रही होती जान बच जान बच गया। वे एक बार हम चौकी में आएगा ना रिजाइन दे दे। अच्छा डोरा कि आज से नौकरी नहीं करनी है ये हैं। तो अब बड़े बड़े अफसर लोग उन्हें समझाया कि भाई सरकारी नौकरी है क्यों छोड़ रहे ये तो। लेकिन डर बढ़िया डर के मारे रिजाइन दे दिया। बड़ा बोली बचूरा लाट को तो काल आटो है। चलो तो है तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कभी कुछ कभी कुछ। तो भाजी आज तुम्हारे घर बैठने में बहुत मजा आई। ये चार गप सुन तुम्हारे बुजुर्ग वो बात अच्छी होंगे ना सब बात। तो विशेषतर मेरे बुजुर्ग द्वार पर ज़्यादा बैठे थे तो भाषा अच्छी लग देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाजी यार तुम्हारे घर बात कहकर ना धन्यवाद आप।